नमस्कार, द सीएसआर जर्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज भोयर। हर एक बड़े कंपनी को अपने प्रॉफिट में से 2% ऐसी एक अमाउंट निकालनी पड़ती है जो समाज के विकास के लिए लगानी पड़ती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, जिसका फायदा सीधे उस आम आदमी को हो जो सरोकार रखता है हमसे, देश से, इस राज्य से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री भी रह चुके इस राज्य के, कृपाशंकर सिंह जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे स्कीम को समाज के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत लंबी राजनीति उनकी रही है, वो जानते हैं कि किस तरीके से ये काम होना चाहिए, उनका नज़रिया भी हम जान लेते हैं। नमस्कार कृपाशंकर जी से, आपका नज़रिया हम समझना चाहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासतौर पे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे होनी चाहिए, कैसे निभाई जाए इसको। नहीं, मुझे लगता है कि जिनका जो दायित्व है वो निभाने के लिए अगर तरीके से किया जाए तब तो समझ में आता है कि हमारी जो योजना है कि हम 2% हमारी इनकम का हम इनके माध्यम से जनता तक पहुँचाने काम करेंगे। लेकिन कभी कभी जो मुझे दिखाई पड़ता है कि आप ही कंपनी, आप ही एनजीओ और आप ही डिसाइड करोगे और कुछ लोगों को खुश करने के लिए 2% में से उनको ओबलाइज कर दोगे, तो जो पैसा जिस क्षेत्र में लगना चाहिए, जहां का कल्याण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मुझे याद है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि हमारा 1 रुपया जब गाँव में जाता है, गाँव के लिए जाता है, जाते जाते 2 पैसा रह जाता है, बीच में 98 पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो यही हाल इसका होते जा रहा है जो मुझे दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएसआर को काफ़ी बढ़ावा दिया। हाल ही के कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में बैठकर इसी मुद्दे पर चर्चा की कि सीएसआर का इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए। रतन टाटा, अंबानी, बिरला और तमाम बड़े उद्योगपति उसमें शामिल हुए। इसी बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार समाज के उस तबके तक सीएसआर का जो फंड होता है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपको लगता है कि मुंबई में कई ऐसे विकास के मुद्दे अभी भी है जहां सरकारी फंड का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन उसके साथ में अगर जोड़ा जाए, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है, बीएमसी चुनाव का, ऐसे इसमें क्या आपको लगता है कि वहाँ इस फंड का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो चाहे रतन टाटा जी हों, चाहे बिरला जी हों, चाहे मुकेश अंबानी जी हों या धीरू भाई अंबानी का परिवार अनिल अंबानी जी हों या अडानी, जो भी बड़े उद्योगपति जो भी हैं, उनको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अगर आप लोगों ने ये उद्योग नहीं लाया होता तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे देश के विकास में हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, इसलिए उनको। लेकिन दूसरी तरफ उनके द्वारा जो सीएसआर का फंड है, उस फंड का सही उपयोग होता है, इसका नियंत्रण कैसे होगा, वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका नियंत्रण कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार और वो उद्योगपति जिसका सीएसआर का फंड है, उसको लोगों तक पहुंचना नहीं पहुंच पा रहा, जो मुझे लगता है। मैं सोच रहा हूं, मेरे दिल में एक भावना है, कितना दिन मैं राजनीति के माध्यम से काम करता रहा हूं, आज भी राजनीति से भी जुड़ा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ लोगों से मिल करके कि हम जो है हम अपने घर से शुरुआत करें, यानी हम जहां रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां लोगों को मिल करके, मीडिया को लेकर के, अपना पत्रकार को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, लेकिन सामाजिक चेतना जगाने काम मेरी करने की इच्छा है, चाहे वो साफ सफाई हो। हम क्या करते हैं, मेरे घर को जैसे उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारी इमारतें ऐसे, मैं उस इमारत का नाम नहीं लूँगा, कल के लोग बोलेंगे हमारी इमारत की क्यों बता रहे हैं। उन इमारतों में अंदर डेकोरेशन 1 करोड़ का है कि 50 लाख का है कि 10 लाख का है, लेकिन बाहर निकलो तो सीढ़ी के पास थूकते चले जा रहे हैं, किसकी जवाबदारी है? कहीं ना कहीं नैतिक जवाबदारी स्वीकारनी चाहिए, सामाजिक जवाबदारी स्वीकारनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं मैं खुद इसमें थोड़ा और आगे चल के काम करूं, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमारा एक ये राजनीति करते करते, या हम MLA हैं या नहीं हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है इस दिशा में भी अपना, जैसे 2% CSR फंड होता है, ऐसे हम लोग सोच लें कि हमारी 10% काम ये अलग से होगा जो मानवता से जुड़ा है, जो कल्याणकारी है, जो सचमुच एक सेवा का रूप ले सकता है, उसमें जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाशंकर जी। द CSR जर्नल पर बहुत सारे कंपनियों के CEO के साथ में हम बातचीत इसके पहले भी कर चुके, लेकिन राजनेता राजनीति को समझते हुए वो बेहतर समाज को समझ सकते हैं,
और इसके लिए उनको भी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी था और इसकी यही वजह थी कि हमने कृपाशंकर सिंह जी के साथ हमने बातचीत की। आगे भी एक बड़े राजनेताओं के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया।